नेक्स्ट स्टेप इज रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड्स, और इसमें आपके पास जो रेगुलेशन का प्रोसेस है, इस रेगुलेशन के प्रोसेस को हार्मोनल लेवल के ऊपर जो है वो हाईलाइट किया गया है, बिकॉज वी ऑल नो कि आपकी जो वेलफेड स्टेट है उसमें आपकी बॉडी के अंदर हाई ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट होता है, और स्टार्वेशन कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होता है. इन दोनों कंडीशन में आपके पैंक्रियाज के जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. ठीक है, तो पैंक्रियाज आपके ब्लड ग्लूकोज को एज अ सिग्नल यूज करते हुए डिसाइड करता है कि इस टाइम उसने ब्लड में इंसुलिन को सिक्रीट करना है या उसने ग्लूकागोन को रिलीज करना है. ठीक है, तो अगर आपके ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल होगी तो पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करेगा. And if you are suffering from the starvation condition and your blood glucose level is too low, तो इस केस में जो हार्मोन सिक्रीट करेगा पैंक्रियास, this hormone will be glucagon. ठीक है, तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन जस्ट लाइक द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस रेसिप्रोकल रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऐसी रेगुलेशन होती है ना कि एक पाथवे को शट डाउन करते हैं और दूसरे पाथवे को ये जो है यहाँ पे ऑन करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में हम इंसुलिन का इफेक्ट देखते हैं और उसके बाद ग्लूकागोन की तरफ आते हैं. व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, पैंक्रियास ने इंसुलिन सिक्रीट किया, इंसुलिन एक्टिवेट करता है कुछ फॉस्फेटेसिस को, और आप लोगों को ये चीज पता है कि आपकी बॉडी के अंदर देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स जिनको एक्टिवेट या इनहिबिट करने के लिए फॉस्फोराइलेशन एक इम्पॉर्टेंट जो है ये इवेंट है. ठीक है, तो व्हेन फॉस्फेटेसिस विल बी एक्टिवेटेड, उस केस में आपका एक एंजाइम है एसिटाइल को इंजाइमेज कार्बोक्सिलेज इंजाइम, जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर फॉस्फोराइलेटेड होता है और इनएक्टिव होता है, बट जब इंसुलिन एक्टिव होगी, इंसुलिन जब प्लाज्मा में सिक्रीट होगी, इंसुलिन विल एक्टिवेट एन एंजाइम फॉस्फेटेज जो कि इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से रिलीज कराएगी, और आपके पास ये जो एसिटाइल को इंजाइमेज कार्बोक्सिलेज इंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. एंड दिस मेलोनाइल कोएंजाइम ए इज एन इंटरमीडिएट फॉर दी फैटी एसिड एनाबोलिज्म. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो इंसुलिन है, इंसुलिन फैटी एसिड के कैटाबोलिज्म को रोक देती है, फैटी एसिड के एनाबोलिज्म के जो पाथवेज है उसको क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है. ठीक है, तो इस तरफ इसने एनाबोलिज्म को एक्टिवेट किया, बट द सेकेंड इवेंट इज अगर इसने एक पाथवे को एक्टिवेट करना है तो दूसरे को इनहिबिट भी करना है. तो दिस मेलोनाइल कोएंजाइम ए जो कि प्रोड्यूस होगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, दिस विल इनहिबिट द एंजाइम कार्निटिन एसिटाइल ट्रांसफरेज 1. और ये आप लोगों को याद होगा, ये पहला एंजाइम है जो कि फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होने में हेल्प करता है. तो अगर आपके पास यहाँ पे इंसुलिन की प्रेजेंस में ये एंजाइम इनहिबिट हो गया है, तो इसका मतलब है कि फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जाएंगे. अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं जाएंगे तो इनकी डिग्रेडेशन या इनसे एनर्जी रिलीज नहीं हो. ठीक है, तो इंसुलिन की प्रेजेंस में आपके फैटी एसिड के एनाबोलिक पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, उनके कैटाबोलिक पाथवेज जो है ये शट डाउन हो जाएंगे. दूसरी तरफ आपके पास स्टार्वेशन की कंडीशन है. स्टार्वेशन कंडीशन में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम है और पैंक्रियास इस सिग्नल को लेते हुए इंसुलिन की बजाय ग्लूकागोन रिलीज करना शुरू कर देती है. दिस ग्लूकागोन विल एक्टिवेट मल्टीपल काइनेजेस, ठीक है, प्रोटीन काइनेज या फिर एएमपी काइनेज. ठीक है, तो ये जो आपके काइनेजेस हैं ये इस एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा के उसको इनएक्टिव कर देते हैं, विच मीन्स के फैटी एसिड के एनाबोलिज्म को रोक देंगे. और जब आपके पास यहाँ पे एनाबोलिज्म का प्रोसेस रुकेगा, मेलोनाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा, तो ये एंजाइम भी इनहिबिट नहीं होगा. तो इस केस में आपके फैटी एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके ऑक्सीडाइज हो